तो जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब प्रॉब्लम क्या है कि इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला बाय यूजिंग बायट सेवर्ट्स लॉ। बायट सेवर्ट्स लॉ से ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जिसके अंदर हमने स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया था, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा। फिर उसके बाद हमने दो रिजल्ट और किए कि चलो एक स्ट्रेट वायर ले लेते हैं, या आर्क ले लेते हैं, या सर्कल ले लेते हैं। तो हमने बायट सेवर्ट लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इंटीग्रेट किया, और हमने स्ट्रेट वायर की वजह से और सर्कुलर वायर की वजह से बी की वैल्यू को निकालना सीख लिया। लेकिन कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे फिगर्स हैं जहाँ पर बी की वैल्यू बायट सेवर्ट लॉ अगर लगाएं तो बहुत कॉम्प्लेक्स रिजल्ट्स आएंगे, या बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी आपको, लंबी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो जो कि जिसका जो जिसको बहुत कम स्टेप्स में कौन करेगा, एम्पियर सर्किट लॉ कर देगा। निकालता ये भी बी ही है, ये भी बी निकालेगा, लेकिन थोड़ा आसान तरीके से निकालेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने गॉस थ्योरम में किया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पॉइंट चार्ज से ई निकाला, पर हम स्फेयर जैसी कॉम्प्लेक्स या 3D फिगर्स की वजह से पॉइंट चार्ज को मानते हुए ई बहुत निकाल नहीं सकते थे। तो हमने किसका यूज़ किया, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ने ऐसी ऐसी प्लेसेस पे ई निकाला जहाँ पर नॉर्मल रिजल्ट्स नहीं लग पा रहे थे, कूलम लॉ नहीं काम कर पा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ बायट सेवर्ट लॉ नहीं काम कर पा रहा या बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दे रहा है, वह एम्पियर सर्किट लॉ बहुत जल्दी अपना काम करेगा। क्या है एम्पियर सर्किट लॉ? एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंगली अगर मान लो आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है, आपके पास करंट कैरिंग वायर है आई, स्ट्रेट भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं। तो एम्पियर सर्किट लॉ हमें ये बताता है, या ये लॉ क्या बताता है, कि आप इस वायर के आसपास कोई भी एक क्लोज्ड पाथ ले लो। हम गॉस थ्योरम में लेते हैं क्लोज सरफेस, इसमें लेते हैं क्लोज्ड पाथ। अब वो क्लोज्ड पाथ कैसे भी हो सकता है, क्लोज्ड पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। जैसे ये इमेजिनरी मैंने क्या लिया, क्लोज्ड पाथ लिया, ये इमेजिनरी है। मैं इसकी जगह एक इमेजिनरी क्लोज पाथ सर्कल भी ले सकता हूँ, क्लियर है। लेकिन याद रहे ये क्लोज पाथ टोटली क्या है, इमेजिनरी है। ये कोई ये नहीं है कि वायर ली हमने, ये नहीं है कोई थ्रेड लिया हमने, कुछ भी, जैसे करंट कैरिंग वायर है, ऊपर करंट जा रहा है, ये देखो मैं क्लोज पाथ ले रहा हूं, ये रहा आपको कि क्या लिया, अपने मन में ले लिया, एक क्लोज पाथ ले लिया, बात खत्म, क्लियर है यहां तक। जैसे गॉस थ्योरम में एक पॉइंट चार्ज है या चार्ज बॉडी है, एक गॉसियन सरफेस ले लो। अब गॉसियन सरफेस हवा में इमेजिनरी है, तो ज्वाइन कर दो, इमेजिनरी है, स्फेयर इमेजिनरी है, तो गॉसियन स्फेयर इमेजिनरी है, तो ऐसी क्लोज पाथ भी इमेजिनरी है। अब क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर की तरफ है, तो अगर मैं इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करूं, तो मैंने बताया था कि फिंगर्स गोल घुमाएं तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं। तो इमेजिन करो कि करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनती हैं। आप सर्कल छोटा बना सकते हो, सर्कल बड़ा बना सकते हो, कैसे ही बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, इमेजिन करो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, पर आपने यहाँ पर एक क्लोज पाथ ले लिया। इस क्लोज पाथ का आप एक स्मॉल एलिमेंट ले लो, मान लो ये स्मॉल एलिमेंट कितने हैं, डीएल। आप यहाँ लो डीएल, आप यहाँ पे ले लो, आप यहाँ पे ले लो, जहाँ मर्जी ले लो, आप डीएल ले लो, एक एलिमेंट डीएल ले लो, राइट। अब डीएल की डायरेक्शन मैं इस तरफ लूँ या मैं इस तरफ लूँ, क्योंकि देखो ना डीएल की डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है और डीएल उल्टा भी हो सकता था, तो ये डिसाइड करेगा वही रूल जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का रूल है, कि करंट अगर ऊपर की तरफ है तो चार फिंगर ऐसे घूम रही हैं, ऐसे घूम रही हैं, ये ऐसे घूम रही हैं, तो डीएल भी ऐसे ही चलेगा। अगर करंट नीचे होता तो डीएल फिर ऑपोजिट ले लेते, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ करूं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने क्या किया था, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, इनसाइड। ये डीएल भी कैसे है, इनसाइड। रादर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये डीएल जो है यहाँ ऐसे ड्रॉ करने की बजाय मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये लो ये मेरा डीएल है इनसाइड, ऐसे डीएल, और ये कैसा है, डीएल आउटसाइड, ये ठीक है।
तो डीएल की वैल्यू यहां पर मैंने क्या ली, इनसाइड है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे होगा, इनसाइड होगा। तो हमने ये रूल सीखा हुआ है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर वो भी इसमें कैसे होगा, इनसाइड होगा। क्लियर है यहां तक? तो आपने क्या किया, ये आपने करंट लिया, करंट के साथ थंब लिया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, डीएल भी इनसाइड है। क्लियर है यहां तक? अब एक स्मॉल एलिमेंट में आपने बी लिया, उसका स्मॉल एलिमेंट डीएल लिया, मैं ये चाहता हूं कि आप यहां पर बी डॉट डीएल निकाल लें, बी इज अ वेक्टर, डीएल इज अ वेक्टर, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट लें और क्या निकालें, आप इसमें बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकालें, किसका, इस एलिमेंट का। फिर क्या करें, फिर अगले एलिमेंट का बी डॉट डीएल निकालें, फिर अगले एलिमेंट का बी डॉट डीएल निकालें, फिर अगले एलिमेंट का बी डॉट डीएल निकालें, तो पूरे क्लोज्ड पाथ का मैं चाहता हूं बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल मिलाएं और टोटल सम बताएं क्या होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए, ऐड करने की जगह हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैंने एक एलिमेंट लिया बी डॉट डीएल और इसकी मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन भी कौन सी, क्लोज्ड। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ के लिए है, गॉस थ्योरम की तरह ये क्लोज्ड पाथ के लिए है। तो मैंने क्लोज इंटीग्रेशन की एक क्लोज्ड पाथ के लिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या देगी मुझे, पूरे क्लोज्ड पाथ का बी डॉट डीएल देगी, राइट। तो एम्पियर सर्किट लॉ ये कहता है ये बी डॉट डीएल की जो वैल्यू आएगी पूरे पाथ के लिए, ये किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इसके अंदर से पास कर रहा है, इसके मल्टीप्लीकेशन की इक्वल होगी म्यू नॉट इनटू आई। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, आपके पास अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, उसके आसपास आपने क्लोज पाथ बना दिया, उस क्लोज पाथ का आपने क्या कैलकुलेट कर दिया, बी डॉट डीएल कैलकुलेट कर दिया, उसकी वैल्यू वो कहता है किसके इक्वल आएगी, म्यू नॉट इनटू जितना करंट क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है उसके इक्वल आएगी। ये कौन सा लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ये लॉ ने हमें बताया, राइट। हम क्या करेंगे, हम पहले इस लॉ का प्रूफ देखेंगे और प्रूफ देखने के बाद इसकी फिर एप्लीकेशंस करेंगे, ऐसी ऐसी एप्लीकेशंस करेंगे जहां पर नॉर्मल मेथड बहुत ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन दे सकता है, लेकिन ये मेथड बहुत छोटी कैलकुलेशन के साथ अपना आंसर निकाल लेगा, राइट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर डिफाइन करना हो, तो ये आपके पास करंट कैरिंग वायर है, ये आपके सामने क्लोज पाथ है, ये बी डॉट डीएल है, तो क्या है, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटेग्रल, लाइन इंटेग्रल का मतलब क्या होता था, लाइन का मतलब होता है लेंथ वाइज, लाइन का मतलब होता है लेंथ वाइज, इंटेग्रल का मतलब इंटीग्रेशन, तो यानी कि मुझे इंटीग्रेशन करनी है लेंथ वाइज, तो लाइन इंटेग्रल ऑफ क्या, किसका लाइन इंटेग्रल, किसकी इंटीग्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो लाइन इंटेग्रल ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात है, सबका नाम बी होता है। तो लाइन इंटेग्रल ऑफ लेंथवाइज इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, और किस मीडियम में, वैक्यूम में, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, म्यू के नीचे नॉट यूज कर रहे हैं, तो म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इसके अंदर क्लोज पाथ के अंदर जा रहा है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ये इसका ये लॉ है। तो लॉ ने क्या बताया, समझ में आया यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो लॉ हमें यह बता रहा है कि लाइन इंटेग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल फॉर क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम कितना करंट क्लोज पाथ में पास कर रहा है, राइट। क्लियर है यहां तक, ठीक है यहां तक? तो ये एम्पियर सर्किट लॉ है। एम्पियर सर्किट लॉ का हम क्या करेंगे, हम आगे प्रूफ करेंगे, ठीक।